उंगलियां लंबी, चोंच जैसे दांत, कम बुढ़ापा, 100 साल में 10 बदलाव, ऐसा दिखेगा फ्यूचर का इंसान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 100 साल में इंसान के अंदर कितना बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बदलाव, शरीर ज्यादा लचीला होगा। एक्सीडेंट, गिरना, पड़ना जैसे हादसों की वजह से हमारा शरीर लगातार विकास कर रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट डीन बर्नेट के मुताबिक भविष्य में हमारा शरीर ज्यादा लचीला होगा। हम ऐसे हादसों से नुकसान कम होगा। जैसे शार्क मछली के शरीर में कार्टिलेज लगातार बढ़ रहे हैं, भविष्य में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी हड्डियाँ ज्यादा लचीली और मजबूत होंगी, साथ ही ज्यादा कार्टिलेज की वजह से चोट कम लगेगी। दूसरा बदलाव, हमारे दांत चोंच जैसे होंगे। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट गैरेथ फ्रेजर का यह विचित्र अनुमान है, लेकिन वो मानते हैं कि भविष्य में इंसानों के दांत एक दूसरे से मिलने लगेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। भविष्य में इंसानों का मुंह पफर फिश की तरह चोंचनुमा हो सकता है, जो उस समय के मुताबिक ज्यादा मजबूत और प्रैक्टिकल होंगे। हमारे खान पान की वजह से इस तरह का विकास होगा। तीसरा बदलाव, इंसान ज्यादा लंबे होंगे। पिछले 100 सालों में इंसानों की हाइट बढ़ी है, यही उम्मीद अगले 100 सालों से भी है। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिकी लोगों की औसत ऊंचाई 5.7 फीट है। पिछले साल में औसत ऊंचाई बढ़कर 5.10 फीट हो चुकी है। अगर अगले 100 सालों तक यही स्थिति चलती रही तो भविष्य में आम इंसान भी किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी की तरह दिखेगा। अब आप इसके फायदे और नुकसान खुद सोच सकते हैं। चौथा बदलाव, ज्यादा मजबूत फेफड़े। हॉवर्ड के रिसर्चर जुआन एनरिकेज के मुताबिक भविष्य में हमें ऐसे फेफड़ों का, मांसपेशियों की जरूरत होगी जो ज्यादा ऑक्सीजन खींच सके, ताकि हम कम ऑक्सीजन वाले स्थानों पर भी सरवाइव कर सकें, क्योंकि इंसान मंगल ग्रह पर भी रहना शुरू करेंगे। वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, इससे हमारी सेहत सुधरेगी। भविष्य में यह व्यवस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी हासिल की जा सकती है। पांचवा बदलाव, उंगलियां लंबी और लचीली होंगी। डीन बर्नेट के मुताबिक लंबाई बढ़ती है तो उसका असर हर अंग पर होता है। हमारी उंगलियां ज्यादा लंबी और लचीली होंगी, इससे उंगलियों की सटीकता बढ़ जाएगी। फायदा टाइपिंग या टच स्क्रीन यंत्रों को ऑपरेट करने में मिलेगा। इतना ही नहीं, आप किसी चीज को ज्यादा मजबूती से पकड़ पाएंगे, कई तरह के काम करने में ज्यादा मदद मिलेगी। छठा बदलाव, दिमाग कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। हर दिन हम नए और ज्यादा डेटा से सामना करते हैं, अगले कुछ सालों में इनकी मात्रा बढ़ेगी। जुआन एनरिकेज कहते हैं कि ज्यादा सूचनाओं को संभालने के लिए दिमाग बेहतर होता जाएगा। कंप्यूटर की तरह ज्यादा एनालिसिस और स्टोरेज कर पाएंगे, ज्यादा चीजें याद रख पाएंगे। हालांकि इससे मनोवैज्ञानिक बदलाव भी होंगे, लेकिन वो सकारात्मक होंगे या गलत, इसका अंदाजा अभी लगाना थोड़ा मुश्किल है। सातवां बदलाव, ज्यादा बेहतर दृष्टि और सुनने की क्षमता। जेनेटिक बीमारियां कम होंगे, सुनने की क्षमता बढ़ेगी, दृष्टिहीन लोग कम होंगे। तकनीकी सुधारों की वजह से आंख और कान की दिव्यांगों को नया जीवन मिलेगा। जर्मनी में वैज्ञानिक ऐसी आंखें तैयार कर रहे हैं जो दृष्टिहीनों के लिए वरदान साबित होगा। लोग अंधेरे में भी ज्यादा दूर और स्पष्टता से देख पाएंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों को भी देख पाएंगे, ज्यादा रंगों को पहचान पाएंगे। आठवां बदलाव, हम यौन परिपक्वता पा लेंगे। ग्लोबल ब्रेन इंस्टीट्यूट में इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के शोधार्थी कैडल लास्ट के मुताबिक इंसान धीरे धीरे यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी को हासिल कर लेगा। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन देरी से होगा, इसका मतलब यह नहीं बच्चे देरी से होंगे, यानी जल्दी जी कर देर से मरने के बजाय हम धीमी गति में जीवन बिताएंगे और ज्यादा बुजुर्ग होकर मरेंगे। नौवा बदलाव, ज्यादा एलर्जी होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग से फायदा तो होगा, लेकिन नुकसान भी होगा। अच्छी सेहत का मतलब नई बीमारियों से सामना करना होगा, क्योंकि पर्यावरण भी बदल रहा है, एलर्जी ज्यादा होगी। कीड़ों, पैथोजेंस, बैक्टीरिया और संक्रमण का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। हम ऐसी चीजों से दूर होते चले जाएंगे जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, लेकिन उस समय हम ऐसे समाज में रहेंगे जहां ताकतवर इम्यूनिटी की शायद जरूरत ना हो। दसवा बदलाव, हम ज्यादा यंग दिखेंगे। उम्र को पलटने की तकनीक पर काफी काम हो रहा है, यानी लोगों को बुजुर्ग बनने से रोकना, क्योंकि बूढ़ा होना सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है,
वह एक बीमारी है, उसे ठीक किया जा सकता है। फिर लोग ज्यादा युवा दिखेंगे, 50-60 साल का इंसान 30-40 का दिखेगा। ऐसा कम बीमारियां, बेहतर सहन शक्ति आदि की वजह से होगा। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।